हमारे शरीर को जो नहीं चाहिए उसे निकालने का एक बेहतर तरीका है पेशाब। तो चलिए जानते हैं पेशाब के बारे में 40 रोचक तथ्य। हमारी मूत्र इकट्ठा करने वाली थैली केवल 2.5 कप यानी 400 से 600 ml पेशाब स्टोर कर सकती है, जबकि हाथी की थैली 50 लीटर तक कर सकती है। एक औसतन इंसान दिन में 7 बार पेशाब करने जाता है और लगभग 6.3 कप पेशाब करता है। ये आपकी डाइट पर भी निर्भर करता है। शरीर से पेशाब यूरेथ्रा नाम की ट्यूब से होकर बाहर निकलता है। महिलाओं में इस ट्यूब की लंबाई मात्र 1.2 से 1.6 इंच, जबकि पुरुषों में इसकी लंबाई 8 इंच तक होती है। यदि आप सपने में कहीं पर पेशाब कर रहे हो तो इस बात के बेहद चांसेस है कि आप बिस्तर पर ही पेशाब कर देंगे। पेशाब में लगभग 3000 घटक होते हैं। इसमें 95% पानी, 2.5% यूरिया और 2.5% नमक, हार्मोन्स और कुछ पोषक तत्वों का मिश्रण होता है। पूरे जीवन काल में आपकी किडनी करीब 10 लाख गैलन पानी को पेशाब में बदल चुकी होती है। ये छोटी झील के बराबर है। यदि आप कभी भी पानी के बिना रेगिस्तान में खो जाते हो तो अपना पेशाब मत पीना, क्योंकि इसमें इतना नमक होता है कि ये आपकी प्यास बुझाने की बजाय आपके शरीर में और पानी की कमी कर देगा। यही कारण है कि अमेरिकी आर्मी में सैनिकों को किसी भी स्थिति में पेशाब न पीने की कड़ी सलाह दी जाती है। बिल्ली का पेशाब अंधेरे में चमकता है क्योंकि इसमें फॉस्फोरस मौजूद होता है, जो ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही चमकने लगता है। दवा बनाने में भी पेशाब का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे यूरोकिनेस दवा, जो हार्ट अटैक के समय खून के थक्के जमने से रोकने में मदद करती है। एक जवान आदमी एक साल में पेशाब के जरिए इतनी हाइड्रोजन पैदा कर देता है जो एक कार को 2698 किलोमीटर तक चलाने के लिए काफी है। अंटार्कटिका के ग्लेशियर में जमे हुए कुल बर्फ का 3% भाग पेंगुइनों का पेशाब है। एक ही समय पर खून देना और पेशाब करना असंभव है। नासा ने एक ऐसी मशीन बनाई है जो अंतरिक्ष यात्रियों के पेशाब को पीने के पानी योग्य बनाती है, और ये पानी अमेरिका के नल पानी से भी शुद्ध होता है। ये बात सच है कि पेशाब में बैक्टीरिया नहीं होते, लेकिन केवल तब तक जब तक ये ब्लेडर में रहता है। जैसे ही मूत्र मार्ग या हवा के संपर्क में आता है, इसमें बैक्टीरिया समा जाते हैं। हमारे शरीर के अंदरूनी तापमान की वजह से ही हमारा पेशाब गर्म होता है, और सर्दियों में तो इससे भाप भी निकलती है। एक घरेलू नुक्खा भी जान लो, पतली चाच में चुटकी भर सोडा डालकर पीने से पेशाब की जलन दूर होती है। खड़े होकर पेशाब करने से पुरुषों का सेक्स टाइम कम हो जाता है, बल्कि जो लोग बैठकर पेशाब करते हैं उनका सेक्स टाइम ज्यादा होता है, क्योंकि खड़े होकर पेशाब करने से मूत्रालय सही से खाली नहीं हो पाता, और ऐसा बार बार होने से प्रोस्टेट ग्लैंड खराब होने लगती है। यदि हंसते, छींकते और व्यायाम करते समय थोड़ा पेशाब निकल जाए तो उसे स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कहा जाता है। गर्भवती महिलाओं को जल्दी जल्दी पेशाब आता है, क्योंकि जैसे ही भ्रूण बड़ा होता है वो ब्लेंडर के साइज को कम कर देता है, जिससे उसमें कम पेशाब स्टोर हो पाता है। करीब 200 साल पहले यूरोपियन महिलाएं खड़े होकर पेशाब करती थी, क्योंकि वे लंबे कपड़े पहनती थी और इसके नीचे कोई जांघिया वगैरह भी नहीं होता था। कनाडा में हर साल करीब 225 आदमी नाव पर खड़े होकर पेशाब करने के चक्कर में पैर फिसलकर गिर जाते हैं और डूब जाते हैं। प्राचीन रोम के जासूस दस्तावेजों के बीच में रहस्यों को लिखने के लिए पेशाब के अदृश्य शाही के रूप में इस्तेमाल करते थे। ये मैसेज तभी दिखते थे जब इन्हें गर्म किया जाता था। भालू जब शीत निद्रा में होते हैं तो कभी पेशाब नहीं करते, फिर चाहे वो 6 महीने के लिए क्यों ना सोए हो। शीत निद्रा के समय भालू का शरीर पेशाब को प्रोटीन में बदलकर भोजन के रूप में इस्तेमाल करता है। लड़ाकू विमान के पायलट पेशाब करने के लिए एक बैग जैसा कुछ पहनते हैं, जिसे पीडल पैक कहा जाता है। सांपों में पेशाब इकट्ठा करने वाली थैली नहीं होती, इसलिए इनका जैसे ही पेशाब बनता है उसे तुरंत निकाल देते हैं। प्राचीन रोम के लोग पेशाब का इस्तेमाल दांतों को साफ करने के लिए करते थे। 1990 के दशक में पेनिसिलिन इतना कीमती था कि इसे मरीजों के पेशाब से भी निकाला जाता था। 1950 के आसपास महिला गर्भवती है या नहीं यह जानने के लिए चिकित्सक महिला के पेशाब को इंजेक्शन के माध्यम से मेंढक में डालते थे। यदि इंजेक्शन लगने के 24 घंटे के अंदर मेंढक अंडों का उत्पादन कर देता है तो महिला को गर्भवती माना जाता था। सबसे लंबे समय तक लगातार पेशाब करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड 508 सेकंड यानी 8.5 मिनट का है, जबकि एक स्वस्थ मनुष्य केवल 7 सेकंड में पेशाब कर लेता है। सबसे लंबी दूरी तक पेशाब करने की धार मारने का रिकॉर्ड एरिजोना के जॉई वैलेंस के नाम है। इनकी पेशाब की धारा 14 फीट 1 इंच तक गई थी।
फव्वारे के नीचे नहाते समय 45% और स्विमिंग पूल में नहाते समय करीब 20% लोग पेशाब कर देते हैं। स्विमिंग पूल में नहाते समय आंखों का लाल होना पेशाब और क्लोरीन के मिक्सचर के कारण होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पक्षियों में पेशाब और टट्टी निकालने के लिए केवल एक ही सुराग होता है, लेकिन ये पेशाब ठोस के रूप में करते हैं। मुर्गे, कबूतर वगैरह की लैटरिन को कभी ध्यान से देखिए, आपको इसमें सफेद सफेद सा कुछ दिखाई देगा और वो इसका पेशाब होता है। भारत ने पीएम मोरारजी देसाई ने एक बार खुद का पेशाब पिया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान क्लोरीन गैस से बचने के लिए सैनिकों को पेशाब से भीगा हुआ कपड़ा मुंह पर बांधने के लिए सलाह दी जाती थी। स्वीडन देश में जल्द ही एक कानून बनेगा जिसके अनुसार पब्लिक टॉयलेट में पुरुषों को हमेशा बैठकर पेशाब करना होगा। बहुत से लोगों में शाय ब्लेंडर सिंड्रोम होता है जिससे इन्हें खुले में पेशाब करने में शर्म महसूस होती है और कई बार तो ये खुले में पेशाब कर ही नहीं पाते। इन्हें लगता है कि कोई हमें देख रहा है। विज्ञान की भाषा में इस डर को पेरुरेसिस कहा जाता है। फॉस्फोरस की खोज पेशाब के गर्म करने पर हुई थी। दरअसल सन 1669 में जर्मनी के हेनिंग ब्रांड ने सोना निकालने के लिए 60 बाल्टी पेशाब को गर्म किया था। उनका मानना था कि पेशाब पीला होता है, इसलिए इसमें कीमती धातु हो सकते हैं। लेकिन जब इसे गर्म किया गया तो आखिर में एक ऐसी चीज बची जो अंधेरे में चमकती थी और इसे फॉस्फोरस नाम दिया गया। पुरुषों के शरीर से कभी भी वीर्य और पेशाब एक साथ नहीं निकल सकते, क्योंकि वीर्य छोड़ते समय एक मांसपेशी के सिकुड़ने की वजह से पेशाब वाली थैली का रास्ता बंद हो जाता है और ये वीर्य छोड़ने के कुछ समय बाद तक भी बंद रहता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।